कर रहे थे सॉलिड स्टेट की, कुछ हमने बातें की थी है ना। अब हम आगे और देखते हैं, अब हम देखेंगे क्रिस्टेलोग्राफिक ग्राफिक स्टडी ऑफ सॉलिड। तो ये जो क्रिस्टेलोग्राफिक स्टडी है सॉलिड की, उसका क्या मतलब है? क्रिस्टेलोग्राफिक स्टडी का मतलब है कि हम पर्टिकुलर जो एटम एटम है या जो आयन आयन है, मान लीजिए अगर मेटालिक क्रिस्टल है तो हम मेटल मेटल के बीच की डिस्टेंस और उनके जो एंगल्स होंगे उनके बारे में हम थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं। ऐसा ही कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो वहाँ पर भी ऐसा होगा, बॉन्ड होंगे पर्टिकुलरली, लेंथ होगी, उनकी स्टडी जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टेलोग्राफिक स्टडी। इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी निकल के आती है जो हम, जैसे कि डेंसिटी, एग्जैक्टली डेंसिटी निकाल पाते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम काउंट कर पाते हैं कि उसके अंदर कितने हैं उस लिमिटेड एरिया में या लिमिटेड वॉल्यूम में। तो इसको हम क्रिस्टेलोग्राफिक स्टडी ऑफ सॉलिड बोलते हैं। तो वैसे तो ये स्टडी जो होती है वो पहले तो सबसे पहले जो हुई थी, अब मेटल के अंदर हम कैसे झांकेंगे, तो सबसे पहले तो जो काम किया गया था वो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड की हेल्प से किया गया था। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से उनके बीच की लेंथ निकाली, बीच की डिस्टेंस निकाली गई है ना, एंगल निकाले गए। फिर अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो पिक्नोमेट्रिक स्टडी है, वो और ज़्यादा एक्यूरेट है पिक्नोमेट्री एक्सरे से ज़्यादा, लेकिन हमें वहाँ पर उनके बारे में स्टडी नहीं करनी है, हमें थोड़ा मैथमेटिकल ही चैप्टर को जाना है इन डेप्थ। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा है ना। तो स्टडी ऑफ सॉलिड, तो सबसे पहले कि क्रिस्टेलोग्राफ होता क्या है, उसमें क्या है क्रिस्टेलोग्राफिक स्टडी में, सबसे पहले हम देखते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, ये स्पेस लैटिस क्या है? सिस्टेमेटिक और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, यानी कि रेगुलर और सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स एक जनरल वर्ड है, पार्टिकल के अंदर आप जानते हैं एटम हो सकते हैं, एटम के बीच की बात हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की बात हो सकती है, आयंस की बात हो सकती है। ठीक है, इन 3 डायमेंशन सिंपल, तो ये आपका स्पेस लैटिस हो गया है ना। तो अब 3D में जैसे कि स्पेस लैटिस बनाना है, अब सिस्टेमेटिक है तो मुझे पता है कि सिस्टेमेटिक का मतलब क्या है, कि मुझे अगर डिस्टेंस लेनी दो पार्टिकल के बीच में तो इक्वल लेके चलनी है, एंगल लेने तो इस तरह से लेने कि वो सबसे सिंप्लीफाइड एंगल आए, इस तरह से बात होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्पेस लैटिस बनाता हूँ, तो जो मैं पार्टिकल है उनको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर रखूँगा, और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि जो बोर्ड है वो सिर्फ एक प्लेन है 2D, 3D है, इसका मतलब क्या है? 3D का मतलब ये है कि जैसे प्लेन है तो एक प्लेन इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि एटम बाहर भी हैं, इधर भी आ सकते हैं, इसके इस तरफ भी, जैसे मेरा हाथ है इधर और इस बोर्ड के पीछे भी पार्टिकल है। जैसे सपोज कीजिए ये पार्टिकल है तो इससे इधर भी पार्टिकल है इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी यहाँ पर ये A है, ठीक है, तो इतनी ही दूरी पर इधर भी A दूरी पर पार्टिकल है और पीछे की तरफ भी, आप समझ रहे हैं, बोर्ड के अंदर घुस गए तो वहाँ पर भी। तो ये एक सिस्टेमेटिक और रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, इसको स्पेस लैटिस बोलते हैं, जो कि हमें उस क्रिस्टल के बारे में संपूर्ण जानकारी दे सके। अभी संपूर्ण तो खैर अनलिमिटेड वर्ड हो गया, लेकिन काफ़ी सारी जानकारी हमें मिल जाती है इन 3D, समझ आइए। तो ये स्पेस लैटिस है which can give us complete information of solid crystal। ठीक है,
तो ये आपका स्पेस लेटिस हो गया कि एक सिस्टमेटिक रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर यहाँ ए डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी ए होनी चाहिए, यहाँ पर भी आपको ए ही ले होनी चाहिए, ऐसा इस 2D में, है ना। और कभी कभी ये डिस्टेंस अलग होगी तो हम बात करेंगे, है ना। पर हम उस क्रिस्टल का जो फोटो, एक्सरे से क्या होते हैं, फोटोग्राफ बनते हैं, उसमें न्यूक्लियस चमक रही है, ये एटम नहीं है अभी, दीज आर द सेंटर पॉइंट, है ना, ये न्यूक्ली है अभी, लेटिस, है ना। अब आप कहेंगे सर तो फिर ये न्यूक्ली है तो इन न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इन न्यूक्लियस को कहते हैं लेटिस पॉइंट्स, ठीक है। किसकी हेल्प से दिखते हैं ये लेटिस पॉइंट हमें, विद द हेल्प ऑफ आइदर एक्सरे मशीन और आइदर पिक्नोमेट्रिक मशीन। तो स्पेस लेटिस आपको समझ में आ गया कि एक बहुत ही पूरे पूरे का फोटोग्राफ ले लिया, क्रिस्टल पकड़ा हमने, उसका एक्सरे से हमने फोटो लिया है। अब एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड पे काम करता है तो वो मेजरमेंट एंगल वगैरह वो एक अलग स्टडी है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक फोटोग्राफ हमें मिल गया है, ठीक है ना। उसमें पता लग जाएगा कि पार्टिकल के बीच की इधर की डिस्टेंस कितनी है, इस तरह की डिस्टेंस बराबर है, जैसे यहाँ पर हो सकता है कि ये ए है तो यहाँ ए बी हो सकता है, और 3D में तो और भी कुछ निकल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकेंड है लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट्स। अब देख रहे हैं कि जो ये स्पेस लेटिस मैंने बनाया है, ये जो न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस जो है, सिर्फ न्यूक्लियस चमक रहे हैं, पूरा एटम नहीं चमक रहा है, एटम ऐसा होता है, न्यूक्लियस ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल बोलने का मतलब आप समझ गए कि मैं पार्टिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जनरलाइज वर्ड हो गया है। यहाँ एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, अगर ये NaCl है तो Na+ हो सकता है, एटम है तो हीलियम विलियम सोलिड है तो वो हो सकता है ना, मेटल है जिंक है तो जिंक हो सकते हैं, ऐसे वो एटम मोलिक्यूल होते हैं H2O वगैरह, सबकी कुछ न कुछ ऐसे स्पेस लेटिस बनती है। और जो ये पॉइंट होते हैं, है ना, जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स यानी कि पॉइंट्स या न्यूक्लियस ऑफ पार्टिकल्स, न्यूक्लियस ऑफ पार्टिकल्स विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट इन स्पेस लेटिस, स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस ही बोलते हैं इसको, क्रिस्टल लेटिस आर कॉल्ड लेटिस पॉइंट्स। तो लेटिस पॉइंट तो कुछ खास बात हुई नहीं है। आप कहेंगे सर ये तो सिंपल सी बात है, स्पेस लेटिस में आपने पूरा फोटोग्राफ बना दिया, सारे पार्टिकल दिखा दिया हमें 3D में, और लेटिस पॉइंट जो न्यूक्लियस चमक चमक के आ रही थी जो दिख रही है आपको, अब उसी के बीच की मेजर करेंगे आप डिस्टेंस। हाँ, तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस ही हम मेजर करने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस जो भी लेंगे हम सेंटर टू सेंटर, न्यूक्लियस बहुत छोटा है और एटम को हम बहुत बड़ा लेते हैं, लेकिन एटम का हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कि वो बाहर कितना है, तो इसलिए हम वहाँ पर न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो पॉइंट्स हैं ये सिस्टमेटिक पॉइंट्स इन स्पेस लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट। तो दोनों वर्ड एक साथ ही आ सकते हैं, ये इनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द स्पेस लेटिस, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन होल ऑफ द 3D ऑफ द कंप्लीट क्रिस्टल, और लेटिस पॉइंट जिन पॉइंट्स से आप डिनोट कर रहे हैं उनके सेंटर्स को, वो आपके लेटिस पॉइंट हो गए। तो ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन तीसरी खास बात है। अब तीसरी खास बात क्या है वो जरूर देखते हैं अपन। वो है यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब मान लीजिए कि मैं अगर पूरा का पूरा क्रिस्टल एक साथ स्टडी करूं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि स्पेस लेटिस अगर मैं पूरा एक यूनिट सेल लूंगा तो स्टडी इतनी एक्यूरेट नहीं हो पाएगी, अंदर के पार्टिकल के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा स्पेस लेटिस होता है, लेटिस पॉइंट से बना हुआ, किससे बना होता है, लेटिस पॉइंट से, उसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा भाग, जितना छोटा हमें चाहिए उतना छोटा भाग हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा भाग ले लिया, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि 2D में आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 2D में या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि ऐसा पीछे भी है और ऐसा आगे भी है, तो आप कहोगे सर ऐसा आगे भी है, इतनी दूरी पर ऐसा भी लगा हुआ है,
तो ये तो सिर्फ क्यूब बन गया एक, और थोड़ा बड़े हो दूर हो पार्टिकल तो फिर क्यूबॉइड बन जाएगा ये। तो इस तरह से 3D में अलग अलग विजुअलाइजेशन आ सकते हैं। तो ये 2D में तो क्या है ये, अगर 2D में देखें तो अगर मैं इसको a डिस्टेंस और इसको भी a मान रहा हूँ, बराबर मान रहा हूँ, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ है स्क्वायर यूनिट सेल। और अगर मैं इसी को 3D में लूँ, पीछे भी यहाँ पर पार्टिकल मानकर कि यहाँ पे पीछे जो पार्टिकल उनको ऐसे दिखा दूँ मैं कि यहाँ पर ये पार्टिकल ऐसे पीछे आ रहे हैं, पीछे यानी कि इसके बैक साइड का दिखाने के लिए मुझे बैक साइड तो मैं जा नहीं सकता, तो उनको इस तरह से विजुलाइज कराते हैं, तो बैक साइड में भी ऐसे पार्टिकल हों, तो इसी को मैं 3D में क्या बोल दूंगा, अगर सेम डिस्टेंस है तो 3D में इसको मैं बोल दूंगा क्यूब, क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप कहोगे सर क्या इक्वल डिस्टेंस है क्या, सारी की सारी जरूरी है क्या एक में, नहीं, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होता, ये दो लेंथ भी सेम नहीं हो सकती, जरूरी नहीं कि ये लेंथ सेम हो, ऐसा भी कोई यूनिट सेल हमें मिलता है जहाँ पर ये ए हो और ये बी हो, तो हम 2D में उसको रेक्टेंगल है ना यूनिट सेल बोलते हैं 2D में, और 3D में फिर वो अलग बनेगी। मैं 3D में ही स्टडी करने वाला हूँ अभी, 2D में तो आप देख ही पा रहे हैं, 2D हमारे को तो 3D में ही स्टडी करना है। तो यूनिट सेल क्या हुआ है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस व्हिच कैन गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल की सारी जानकारी जब यूनिट सेल से ये छोटे से हिस्से से पता लग रही है तो बहुत अच्छा रहेगा ना, तो हम देख पाएंगे कि वो छोटा सा हिस्सा है तो उसको स्टडी करना बहुत आसान होगा, एक बहुत बड़े हिस्से को स्टडी करना इतना पॉसिबल नहीं होता, और हम जानते हैं कि उसी को रिपीट कर करके ये बनाया जाता है। अगर ये इसका यूनिट सेल है तो मैं इसको यहाँ रिपीट कर दूँ, इसको रिपीट कर दूँ, इसको रिपीट कर दूँ पूरा, तो क्या पूरा स्पेस लैटिस कवर नहीं हो रहा है, यानी कि इसी का सिंपल रिपीटेशन है ये, तो यानी कि जो सिंपल रिपीटेशन होगा यूनिट सेल का उससे क्या बन जाएगा, उससे आपका पूरा स्पेस लैटिस बन जाता है। तो अगर मैं रिपीटेशन करूँ हर डायरेक्शन में यूनिट सेल का, बाय रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल इन ऑल डायरेक्शन वी कैन गेट कंप्लीट क्रिस्टल और यूनिट स्पेस लैटिस, कंप्लीट स्पेस लैटिस और क्रिस्टल, यानी कि जो स्पेस लैटिस है उसी के हमने छोटे छोटे हिस्से बना दिए ताकि उसको हम सिंपलीफाई वे में पढ़ सकें, और सारी जानकारी उसी के अंदर है यूनिट सेल के अंदर। अब आप कहो सर यूनिट सेल जो है फिर हम और हमारे को जो लेना है, हम अगर चाहें तो दो पार्टिकल के बीच में ले या चार पार्टिकल के बीच में ले, कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पर ये आपकी बात है कि यूनिट सेल आपकी मर्जी से ली जा सकती है, थोड़ी बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम लेते हैं वो क्या होता है, सबसे स्मॉल पार्ट ही हम लेते हैं, है ना। यूनिट सेल कैन बी चूजन, यूनिट सेल कैन बी चूजन बाय आवर चॉइस, बट द स्मॉलेस्ट but the smallest unit cell are preferred। ये जरूरी नहीं है कि यूनिट सेल छोटी ली जाए, लेकिन हम जनरली यूनिट सेल जिसमें एक छोटे से हिस्से में सारा काम हो रहा हो तो हम बड़ा क्यों लेंगे। अब आप कहेंगे सर थोड़ा यूनिट सेल का प्रैक्टिकली समझाइए आप, ठीक है आप समझिए, प्रैक्टिकली समझिए इस बात को। हमारे एक मित्र हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है,
और एट ए टाइम उनके कंस्ट्रक्शन के जो काम चलते हैं वो एक जगह नहीं चलता, एक सिटी में अलग चल रहा है, दूसरी सिटी में अलग चल रहा है, तीसरी सिटी में अलग चलता है, और उनके ग्रुप के काम उनके नाम से आ जाते हैं। तो एक दिन मैं गया उनके पास, मैंने कहा यार जो आप ये काम कर रहे हैं आप कैसे कर पाते हैं और आपको कैसे पता है कि जो चीज़ें बन रही है, आप तो यहाँ बैठे हैं परफेक्ट बन रही है। तो क्या कहते हैं, एक कागज़ निकाला उन्होंने मेरे पास, उस कागज़ में उन्होंने पूरी बिल्डिंग का नक्शा बनाया हुआ था। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो ये जो नीचे का फ्लोर है, ये नीचे का फ्लोर मैंने बनवा दिया है, अब जो बंदा ऊपर का फ्लोर बनाएगा वो उसको कुछ नहीं करना है, उसको इसी को रिपीट करना है, तीसरा भी उस दूसरे वाले को रिपीट करना, ऐसे वो पूरा का पूरा काम बन जाता है, मेरा काम सिर्फ ग्राउंड को देखना होता है, यानी कि उसने वो तैयार किया। ठीक है, तो मैंने कहा यार एक फ्लैट हमें भी दिला दो, अब मैं भी देख लेता हूँ। तो उसने कहा सेकेंड फ्लोर का रूम नंबर 201 आपका मतलब फ्लैट जो है वो खाली है। मैं गया वो एक दिन, वो वहाँ आया मेरे साथ। अब क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट जो वो चाबी थी उसकी 201 की, वो उस चाबी कहीं मिस हो गई। अब मुझे फ्लैट 201 ही खाली है तो मुझे वही देखना चाहिए ना, क्योंकि जो चीज़ मैं लेना चाहता हूँ मैं वही देखूँगा तो बेटर रहेगा। उसने कहा एक काम करते हैं 101 नंबर देख लेते हैं। मेरा दिमाग ख़राब, मैंने कहा साला फ्लैट तो दे रहा है 201 नंबर का और दिखा रहा है 101 नंबर का। मैंने 101 नंबर का फ्लैट देखा, बहुत जम गया मेरे को। उसने कहा बिल्कुल ये का यही 201 है। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो यार, ये नीचे का फ्लैट है ऊपर का फ्लैट है एक जैसा कैसे सकता है। उसने कहा ऐसा करते 301 पे चलते हैं। हम थर्ड फ्लोर पे चले गए, 301 देखा, मैं चकरा गया कि साला 101 में तो वापस नहीं आ गया मैं, सब कुछ सेम टू सेम है, इसका मतलब 201 भी वैसा का वैसा ही है। आप समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को, जो यूनिट सेल ये वाली थी वही यूनिट सेल को ऊपर रख दिया, उसी के ऊपर रख दिया, नहीं तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है अगर डिफरेंट अरेंजमेंट में वो बनाता तो सालों साल निकल जाते और वो बिल्डिंग तैयार नहीं होती। तो आप समझ लेना कि हर एक चीज़ के लिए बेसिक हमें लेना पड़ता है कि कंसेप्ट, उसी को वो रिपीट करते करते बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं। तो आई थिंक अब आप समझ गए कि यूनिट सेल का काम क्या है। यूनिट सेल भी वही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको रिपीट करते करते कूदते पूरी बिल्डिंग यानी कि पूरा क्रिस्टल आपके सामने आ चुका है। आर यू गेटिंग? तो इसलिए यूनिट सेल का यूज़ है। इस एग्जांपल से आप समझिएगा कि यूनिट सेल क्यों ज़रूरत है, पूरा इस एग्जांपल में आ गया ये। अच्छा, तो यूनिट सेल आप समझ गए, स्पेस लेटिस में कोई बड़ी बात ही नहीं है, और लेटिस पॉइंट आप समझ गए कि जो न्यूक्लियस है वो आपके। अच्छा, तो जो यूनिट सेल है इन थ्री डायमेंशन, हम 3D की पहले बात करते हैं, थ्री एंगल्स जिनको हम क्रिस्टेलोग्राफिक एंगल्स भी बोलते हैं, है ना। थ्री एंगल्स आर रिक्वायर्ड विच वी चूज, हमने हमारे हिसाब से चूज कर रखे हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब आप कहोगे सर ये कोई एंगल है क्या, अरे तीन एंगल मान लेते तो क्या दिक्कत है। अब वो ऑब्जर्व हम कुछ भी तीन सिंबल ले सकते हैं, तो एंगल को हमने माना है अल्फा, बीटा, गामा। एंड थ्री एज लेंथ या एक्सियल लेंथ्स आर रिक्वायर्ड। सर आप इनको क्या मानने वाले हो? भाई मैं मानने वाला नहीं हूँ, साइंटिस्टों ने पहले ही मानी हुई है इसको, ए बी और सी इस तरह से माना हुआ है। तो ये आप 3D में जो आपको रिक्वायरमेंट है, टोटल 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हो गई है। 3 तो एंगल चाहिए अल्फा, बीटा, गामा, और 3 एक्सियल लेंथ चाहिए या एज लेंथ चाहिए जिनको ABC बोला गया है। सर थोड़ा एक एग्जांपल ले लो यूनिट सेल का, कोई आपकी मर्जी से कोई सा भी एक यूनिट सेल लेके दिखाओ ना। अच्छा, तो मैं एक यूनिट सेल लेता हूँ बच्चों, सबसे जो सिंपल और जो मैक्सिमम हमें स्टडी करनी है वो सबसे सिंपल बोल रहा हूँ, वही स्टडी करनी है हमें। एग्जाम्पल है हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा सर, अभी क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब तो 3D में बनेगा, अब 2D का तो बोर्ड है, 3D बनाओगे कैसे सर?
बनाएंगे, कैसे नहीं बनेगा। जैसे कि ये मेरे पास एक स्क्वायर बन गया परफेक्ट, ठीक है, ये प्लेन में है, ये भी प्लेन में है। अभी तो देखिए क्रिएटिविटी चाहिए यहाँ पर आपको, एक लाइन में यहाँ से खींच देता हूँ, एक यहाँ से खींच देता हूँ, ये खींच दी, ये खींच दी। सर अभी भी तो 2D है ना, ये 3D दिख कर रहा है क्यों, है ना। पहले मैं कहूँ कि ये लेंस सारी A मान लीजिए, कितनी मान लीजिए A, एक ये लेंथ भी आप A मान लीजिए और ये लेंथ भी आप A मान लीजिए। अब आप कहेंगे सर ये लेंथ तो समझ में आई ए ए, ये तो A नहीं हुई। तो यही तो बात ये 3D में है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर तीन एंगल लेने हैं, किसी भी एक्सिस से आप तीन एंगल ले सकते हो, अल्फा, बीटा और गामा। एक अल्फा 90 डिग्री दिख रहा है आपको, बीटा 90 डिग्री दिख रहा है और गामा भी 90 डिग्री दिख रहा है। इसको ऐसे सोचिए कि ये जो है ये इस तरफ है और ये इसके पीछे का हिस्सा है, समझ में आ रहा है, और ये इधर वाला प्लेन है और ये ऊपर वाला प्लेन है, ऐसा समझिए आप, तब आपको ये 3D में विजुलाइज होगा, ठीक है ना। तो तीन एंगल आपको 90 डिग्री दिख जाएंगे। अब देखो यहाँ से ये एंगल 90 वाला इस प्लेन में, ये इधर 90, ये इधर 90 और क्यूब की सारी लेंथ बराबर है, ठीक है। आप कहेंगे सर और थोड़ा और अच्छे से कीजिए इसको, थोड़ा और रोशन डालिए, तीन लेंथ तो समझ में आ गई हमें, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से हम देखेंगे तब तो हाँ ये बराबर इस तरह से दिखेगा, पर थोड़ा और हमें पिक्चर और क्लियर हो जाए तो अच्छा रहे, ठीक है। पिक्चर को पूरी क्लियर करेंगे दोबारा से। अब मैं ए बी सी या नहीं ले रहा हूँ, है ना, अब मैं कुछ और बताने वाला हूँ आपको। आपको ये तो पता ही कि क्यूब में तीनों लेंथ बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं, ये तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे और देख भी सकते हैं, कोई भी बॉक्स लेंगे अपन। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी और यहाँ लिख दीजिए डी, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए ए डैश, यहाँ लिख दीजिए बी डैश, यहाँ लिख दीजिए सी डैश और यहाँ लिख दीजिए डी डैश। अब जरा ठीक है, थोड़ा क्यूब भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है दिखने में, लेकिन वो क्यूब ही है ऐसा मान के चलना है आपको। अब मैं आपसे कहूँ, अब इसको थोड़ा दूर से देखो, आप एक प्लेन मानो ए बी सी डी और उसके नीचे का प्लेन मुझे बताओ अब। हाँ सर, ये प्लेन ऊपर है तो नीचे ये प्लेन दिख रहा है हमें, एक नीचे ए डैश, बी के नीचे बी डैश। अच्छा, मैं कहूँ ये नंबर वन प्लेन हो गया तो ये प्लेन कितना हो गया 2, और अब 3D में अपने आप दिखने लग जाएगा ये, आप सोचेंगे तो। अब मैं कहूँ एक प्लेन मेरे को सी सी डैश डी डी डैश लेना है, प्लेन दिख रहा है आपको, इसका अपोजिट प्लेन बताइए मुझे। आप कहेंगे सर इसका अपोजिट प्लेन, इसका अपोजिट प्लेन जो अगर हम उधर से देख रहे हैं तो ए बी ए डैश बी डैश दिख रहा है, दिख रहा है प्लेन, तो ये फोर्थ प्लेन है। अच्छा, अब मैं कहूँ एक और प्लेन ले लो आप, बी बी डैश सी सी डैश, ये प्लेन ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, ऊपर की तरफ उठता हुआ दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है ये, तो ये फिफ्थ है। तो इसके पीछे का प्लेन देखो, उस प्लेन को सोचने में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही होगी, लेकिन उसके पीछे का प्लेन भी हम सोच सकते हैं। इसके पीछे का प्लेन कौन सा होगा, इस वाले के पीछे का प्लेन कौन सा होगा, इसके पीछे का प्लेन यही होगा, ये आगे है और ये पीछे है, तो अगर ये 5 है, 6 प्लेन इसके पीछे दिख रहा है आपको, तो ये 6 प्लेन है। यानी कि अगर हम देखें तो ये क्यूब है, इसके अंदर आपको अपोजिट फेस दिख ही रहे होंगे, ए बी सी डी का अपोजिट फेस, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश दिख रहा है इसका। देखो मैं वापस से नंबर अप करता हूँ, आपको दिखना चाहिए 6 फेस हमारे को दिख रहे हैं इसमें। हाँ देखिए, वापस से देखिए, ए बी सी डी का अपोजिट देखिए, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश दिख रहा है, इस वाले का अपोजिट देखिए, हाँ सर वो दिख रहा है, नीचे वाले का दिख रहा है ऊपर, हाँ सर 6 के 6 फेस हमें दिख रहे हैं, सारे तो दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 है 5, 6 सारे दिख रहे हैं क्या, थोड़ा बहुत 19-20 गलत हो, देखो 3D में इमेजिनेशन करते वक्त थोड़ा सा तो गलती एक बार हो सकती है, लेकिन दोबारा उसको आप सुधार के सही करेंगे, लेकिन जब तक ये विजुलाइज नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। अब क्यूब की बात ही हो गई है तो मैं कुछ अपनी तरफ से बात करता हूँ। मुझे इसमें आप एक बता दीजिए कि अगर मैं नंबर ऑफ कॉर्नर साइड
या नंबर ऑफ कॉर्नर्स अगर हम इसमें इस देखना चाहें 3D के अंदर, सब 3D के अंदर दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोने हमें दिख रहे हैं। कोने दिख रहे हैं आपको, ये वाले कोने हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे इसमें मार्क भी कर सकता हूँ मैं। तो कितने कॉर्नर आ रहे हैं? 8 कॉर्नर आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं कहूँ कि मुझे ये फेस है, दिस इज कॉल्ड फेस, दिस इज कॉर्नर, ठीक है ना, दिस इज एज, दिस इज सेंटर, एक बॉडी सेंटर भी तो होगा ना, ये सेंटर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने आ गए? 8 आ गए। मैं कहूं कि नंबर ऑफ फेसेस इस तरह के, तो सर अभी तो देखे थे ये 1, 2, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, तो नंबर ऑफ फेसेस बता दीजिए आप। अच्छा, एक काम, फेसेस या फेस सेंटर कितने होंगे? जितने फेसेस होंगे उतने ही फेस सेंटर होंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो फेस कितने दिख रहे हैं? 6, तो नंबर ऑफ फेस सेंटर भी 6 होंगे। देखते जाओ उसको, और जब तक वो टेली करो ये, है ना, उसको 3D में इमेजिन करते आओ, और 3D इमेज मिल जाएगी आपके पास, मोबाइल है तो वो 3D इमेज, क्यूब की कोई बड़ी बात नहीं होती, आजकल मोबाइल में सारी इमेज वो इधर उधर करके दिखा देता है, पर ये समझ में आना चाहिए कि ये जनरल बातें हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडी सेंटर, सर बॉडी सेंटर तो किसी भी चीज़ के अंदर एक ही होता है, कोई सेंटर भी 2-3 होते हैं क्या? ठीक है, तो बॉडी सेंटर 1 है। अच्छा, मैं कहूँ कि ये जो एज है, या एज, या एज लेंथ, एज सेंटर, नंबर ऑफ एज, अच्छा एज गिननी है सर, एज गिननी सर, थोड़ा इसको हम 3D में सोच नहीं सकते क्या? आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को थोड़ी देर के लिए क्यूब मान लीजिए, सबसे परफेक्ट एग्जांपल वही है। अगर आप इस अच्छे रूम में बैठे हैं जिनमें यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि क्यूबॉइड टाइप का हो, तो आप कोने देखेंगे तो आपको 1, 2, 3 और 4 तो यहाँ दिख जाएंगे आपके बैक साइड में, और 4 आपके अपोजिट दिखेंगे, 1, 2, 3, 4। यह क्यूब का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस क्यूबॉइड को हम क्यूब मान सकते हैं, कहीं होंगे तो क्यूब भी होंगे कमरे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर क्यूबॉइड होते हैं। तो 8 कोने हो गए। फेस देखिए, एक फेस मेरे पीछे है, एक फेस मेरे आगे है 2, एक फेस मेरे राइट में है, एक फेस मेरे लेफ्ट में है 4, एक अप में भी और एक नीचे बॉटम में भी है, कितने फेस हो गए? 6, तो इनके सेंटर भी कितने आएंगे? 6। अब बात सर आप बॉडी सेंटर की कर रहे थे, बॉडी सेंटर तो एक ही आएगा सर, इसका तो एक ही सेंटर होगा। अच्छा, अब मैं एजेस की बात करूँ, देखिएगा अगर मैं एजेस की बात करूँ तो एक एजेस मेरे ऊपर चल रही है, एक एजेस इधर चल रही है, एक एजेस इधर चल रही है, और एक एजेस इधर चल रही है, 4, फिर 5 दिख रहा है आपको, 6, 7, एक सामने वाली 8, 9, 10, 11 और 12, कमरे में देखिए आप 12 एजेस आएंगी। तो मैं इधर भी देख लेता हूँ कि एजेस कौन कौन सी है, मैं एजेस को कट करता हूँ, ठीक है, ये एज है, सब यूनिफॉर्म है ना, तो डिस्टेंस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1, ये 2, ये 3, मैं कट भी कर रहा हूँ, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, और देखो सर ही भूल गए, देखो एक कम पड़ गई शायद, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो अभी देख लेंगे, होनी तो 12 ही चाहिए थी, हम तो अभी 3D में प्रैक्टिकल का फ़ायदा देखिए आप, हमें पता है प्रैक्टिकल से कि 12 ही हैं, तो अगर यहाँ 11 आ रही है तो सर एक कहीं भूल गए आप, ये दिख रही है, ये भूल गए, गिनो जरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आनी है, तो आप कमरा सोच के बैठे हो तो आपके माइंड में पहले से ही सेट है कि 12 तो होनी हो, तो नंबर ऑफ एज या एज सेंटर कितने हैं? 12 हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉर्नर्स आपके 8 हैं, और फेस सेंटर 6 हैं, बॉडी सेंटर 1 है, और एज सेंटर, अच्छा अब मैं थोड़ा सा और इसके अंदर बात करूँ बॉडी डायगोनल की। बॉडी डायगोनल का मतलब है इस तरह का, अपोजिट कोने पर लगा हो। अब आपके कमरे में आप कहेंगे सर कैसे सोचे हम, एक कोना तो आपको समझ में आ रहा है मेरी उंगली के डायरेक्शन से, दूसरा कोना उधर जाइए आप, दिख रहा है कोना, सोचे कमरे में, और ये वाली लाइन खींचिए वहां तक टेढ़ी इस तरह से, उस कोने को मिलाती हुई,
हाँ, बॉडी के सेंटर से पास हो रहा है तो उसको बॉडी डायगोनल बोलेंगे। तो अगर ये एक बॉडी डायगोनल है तो उसके ऊपर के हिस्से से जो नीचे आएगा, हाँ एक्स, ऐसे एक्स बना दो आप, तो ये बॉडी दो डायगोनल कितने हो गए, दो हो गए, तो सरफेस दो इधर भी बन जाएंगे। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, टोटल बॉडी डायगोनल कितने बन रहे हैं कमरे में, फोर बन रहे हैं। ये तो मैंने एक दिखाया, एक यहाँ से बनेगा, एक इधर से बनेगा, है ना, और इसका भी बनेगा एक अपोजिट। तो अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल बताओ मुझे, आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात अब हमें समझ में आ रही है, और समझ में आने के लिए इससे ज़्यादा 3D जो चीज़ है, अगर हम 3D के ही लें, और अच्छा अगर हम उस 3D के अंदर ही हों, तो सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन होती है। तो आप सोच लीजिए कि आप जो जिस कमरे के अंदर हैं, जिस रूम के अंदर आप हैं, आपका क्यूब दिया हुआ है, उसको आप क्यूब एज्यूम कर सकते हैं और सारी बातें आपको माइंड में आ जाएंगी। यही कंसेप्ट है। मैं हमेशा जब भी सॉलिड स्टेट की जब बात करता हूँ तो मैं कमरे में ही सब कुछ स्टडी कर लेता हूँ, रूम समझ लेता हूँ सब कुछ। तो आप भी समझ लीजिए कि नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होंगे, सर फोर होंगे। फिर कुछ कमज़ोर बच्चे कहेंगे सर दोबारा बताइए, ठीक है मैं कहूँगा देखो एक वहाँ से उस कोने से उस साइड का कोना, अच्छा ये जो कोने मिलेंगे तो फेस डायगोनल होते हैं, और ये जो बॉडी से क्रॉस करते हुए जाता है वो बॉडी डायगोनल होता है, इस तरह से, है ना। जैसे कि ये डिस्टेंस ए है, मान लीजिए अगर मैं पूछूं आपसे कि ये डिस्टेंस ए है तो फेस डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होगी, ये बता दीजिए आप। रूट टू है, तो इसकी डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे इस तरह से तो वो रूट थ्री है, आनी है। अगर आप मैथ्स के थोड़े भी जानकार हैं तो वो भी हम बातें कर लेंगे। अभी नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल फोर हो गए, ठीक है। अच्छा अब मुझे नंबर ऑफ फेस डायगोनल चाहिए, नंबर ऑफ फेस डायगोनल। चलिए यहां भी दिख रहे हैं वैसे तो कि सिक्स फेस हैं, ठीक है ना। सिक्स फेस में एक इधर आएगा तो एक एक फेस पे दो हैं, तो वो दिख रहे हैं कि सिक्स फेस हैं और एक फेस पे दो आते हैं सर, तो 12 हो गए। इधर भी देख लीजिए, ये दीवार तो दिख रही है आपको, ये आपका एक फेस डायगोनल है और एक ये दो है, एक दीवार पे दो है तो टोटल सिक्स दीवारें हैं अपने कमरे में। तो समझ गया आपके नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होने वाले हैं, 6 × 2, सिक्स फेसेस हैं आपके पास, और हर एक फेसेस पे कितने बॉडी डायगोनल हैं, सॉरी फेस डायगोनल 2, यानी कि ये हो गए 12। आई थिंक इस यूनिट सेल के बारे में आपको सारी जानकारी पता लग गई होगी, थोड़ा लिखते लिखते गंदा हो गया, वापस से यही बातें मैं तुमसे दोबारा फिर इसी में, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर है तो बात इसी की करनी है हमें। मैं दोबारा बना के सोचता हूं, वापस से आप लिख दीजिए कहीं पर भी, इस बार इधर लिखूंगा, मेरी मर्जी है। ABCD, कोई बात नहीं है, ये ए डैश हो जाएगा, इसका अपोजिट फे, इसका अपोजिट ये वाला बी डैश, इसका अपोजिट ये सी डैश, इसकी लाइन यहाँ खत्म हो रही, डी डैश। देख लीजिए आप, आपको वैसे ही फेस दिख रहे होंगे सर, हाँ आप तो दिखने लग गए सर, ये एक आगे का, ये पीछे का 2, 5 और ये 6, हाँ दिख रहे हैं सर, ऐसे भी सोच रहे हैं। तो अभी तो भी क्यूब बन रहा है, इधर का अलग तरह से क्यूब बन रहा है, दो तरह से क्यूब बन जाता है, दो तरह से विजुलाइजेशन होगा जब आप क्यूब की सोचेंगे तो, है ना। तो इसका अपोजिट फेस आपको दिख रहा है, कॉर्नर आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फेस सेंटर 1, 2, 3, इसका 3 और इस वाले का भी इधर ही आएगा 4, इसका 5 और ये 6। तो फेस सेंटर 6, बॉडी सेंटर तो बोलने की जरूरत ही नहीं, 1 है। एज सेंटर 12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चेक कर लो आप। अब आप चेक करना है इसमें कट करके, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल ऐसे अपोजिट वाले एक, है ना, हर एक सेंटर से 1, 2, है ना, इसमें एक ही समझ में आएगा क्योंकि एक ही बॉडी डायगोनल यहाँ पर इसमें दिख पाएगा आपको, ध्यान रखिएगा। 4 बनाएंगे तो पूरा कचरा होने वाला ही है, इसका मतलब बॉडी डायगोनल तो रूम से ही लेने हैं आपको। एक्स बना देना ऐसे, एक्स एक्स 4, सबसे अच्छा विजुलाइजेशन कमरा है आपके पास, स्क्वेयर रूम ही बनते हैं आजकल, क्यूबॉइड रूम ही बनते हैं अपने पास ज़्यादातर, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और फेस डायगोनल, अच्छा फेस जितने हैं उन पे एक फेस पर
एक डायगोनल दो, तो फेस तो सिक्स है ही सही है ना। तो ये कुछ जानकारी जरूरी जरूरी बातें, जितनी एज है उतने एज सेंटर होंगे है ना, ठीक है, ये वाली बातें सारी हो चुकी है अपनी। अच्छा, और क्यूब के लिए आपको बताया तीनों लेंथ इक्वल है, सबसे अच्छी बात ये है कि लेंथ का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। और एंगल भी सारे के सारे ही परपेंडिकुलर आते हैं। उस कोने में देखिए, आप किसी भी कोने में आप एक प्लेन इधर लेंगे, एक्सिस है वो एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई के बीच में एंगल देखेंगे तो 90, इधर का एंगल देखेंगे तो 90, उधर का एंगल देखेंगे तो भी 90। यानी कि एक कमरे से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो आप इसको टचिंग में लाने की कोशिश कीजिए बाय द हेल्प ऑफ योर रूम, आज से स्टार्ट कर दीजिए इसको, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक यूनिट सेल के बारे में बताया, 3D में क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम स्टडी करेंगे तरह तरह से बदल बदल के, है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का यूनिट सेल है, हमारे पास टोटल जो है वी हैव, सेवन टाइप्स ऑफ बेसिक क्रिस्टल सेवन टाइप्स ऑफ बेसिक क्रिस्टल सेवन टाइप्स के हमारे पास, जिनको हम देखेंगे अभी। क्यूबिक है, हमारे पास है ना, ऑर्थोगोनल है, ये नाम है क्यूबिक ऑर्थोगोनल, इनके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। रोम्बिक या रोम्बो हेड्रल, रोम्बिक को रोम्बो हेड्रल लिखते हैं। हेक्सागोनल, SCP, हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक, है ना, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, ये सात तरह की हमारे पास है, ठीक है। सेवन टाइप ऑफ बेसिक क्रिस्टल्स है हमारे पास, क्यूबिक, ऑर्थोगोनल, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोगोनल को ट्राइगोनल ही बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थो है ना, ऑर्थो रोम्बिक। तो ये सेवन है, इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, दीज कैन बी फर्दर, ये सिर्फ याद करने की बातें हैं, याद कर लीजिएगा, दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर सब कैटेगरीज, सिंपल एक होता है, सिंपल एक होता है, बॉडी सेंटर, ये नाम दिए गए इनमें अलग अलग, जैसे एक के अंदर ही अलग अलग निकलेंगे, तो कोई इस नाम पे जाएगा, कोई इससे जाएगा, वो देखेंगे अलग अलग तरह की बिल्डिंग, जैसी बिल्डिंग होगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। फेस सेंटर और एंड सेंटर, ये देखिए, यानी कि सेवन बेसिक क्रिस्टल्स कौन से हैं, क्यूबिक, ऑर्थोगोनल, रोम्बोइड, अभी लिख भी देंगे इनको आपस से, और उनके अंदर जो है सब कैटेगरी, किसी के अंदर सिर्फ सिंपल ही है, किसी के अंदर सिंपल और बॉडी सेंटर है, किसी के अंदर तीन है, किसी के अंदर चारों भी हैं, ऐसा वो हमें देखना पड़ता है। तो वो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, लेकिन हमारा क्लासिफिकेशन तो इसी पे जाएगा ज़्यादातर, तो ये तो सिर्फ याद करना है, वरना तो बहुत डिटेल है हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन हमें अपना चैप्टर पूरा करना है। तो समझ गए आप कि सेवन तो आपके पास बेसिक क्रिस्टल है और उनको फर्दर डिवाइड किया गया है इनमें। अब ये टोटल जो बनते हैं, जितने मिलाकर भी 3D में बनते हैं, नाउ टोटल वी गॉट 14 टाइप्स ऑफ, क्या राय आ रही है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स यूनिट सेल, है ना। क्रिस्टल्स की यूनिट सेल कितनी होती है, टोटल 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल यूनिट सेल है हमारे पास, या यूनिट सेल्स बोल दो, क्रिस्टल यूनिट सेल्स,
यानी कि 14 टाइप की यूनिट सेल है हमारे पास टोटल मिलाकर। बस यूनिट सेल पूछे टोटल कितनी 3D में, तो 14 है। वी आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिसेस। ये स्टडी कर करके पहले एक्सरेज और पिक्नोमेट्री से स्टडी कर करके देखा गया है कि टोटल बेसिक 7 टाइप के क्रिस्टल थे 3D में, फिर उनमें किसी में कौन सा टाइप है, किसी में कौन सा टाइप, और ऐसे हजारों लाखों पार्टिकल भी सेम को मैच करते हैं। तो वो जो टोटल यूनिट सेल बनती है डिफरेंट 14 बनती है, 7 बेसिक क्रिस्टल से और उनके सब टाइप। तो वो जो 14 है उनको हमने नाम दिया है ब्रेवियस लैटिसेस। तो अगर मैं पूछूं कि बेसिक क्रिस्टल कितने हैं तो आप कहोगे 7, मैं कहूंगा टोटल यूनिट सेल्स टाइप ऑफ यूनिट सेल कितनी है तो आप कहेंगे सर 14। दोनों बातें समझिए, क्रिस्टल 7 है और यूनिट सेल है जो ब्रेवियस लैटिसेस है या यूनिट सेल है वो 14 है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो इनको थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा आप। रूम आपका सबसे अच्छा भी खाली टाइम है आपके पास, आप रूम में ही रहते हैं ज़्यादातर, तो सोचने के लिए तो आपके पास दिन भर ही पड़ा हुआ है। थोड़ा कमरे को 3D में सोचिए, कोने कॉर्नर हैं, ये फटाफट फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल आपको अपने आप समझ में आएंगे, बॉडी डायगोनल सब समझ में आएंगे आपको। मुश्किल से आधे घंटे में आप सोचोगे अरे तो सब कुछ बहुत ईजी है। कीजिएगा ओके।